नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। बैंक खातों से निकासी पर रिजर्व बैंक ने लगाया अंकुश। बैंकिंग चैनल का दुरुपयोग कर अपना बेहिसाबी धन जमा करने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए गुरुवार को रिजर्व बैंक ने ऐसे बैंक खातों से निकासी पर अंकुश लगा दिया है जिसमें 5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा है। इन खातों में 2 लाख रुपए से अधिक राशि 9 नवंबर के बाद जमा की गई। रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया कि ऐसे खातों से निकासी या धन का स्थानांतरण पैन नंबर दिए बिना या फॉर्म 60 दिए बिना नहीं की जा सकेगी। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि यदि किसी छोटे खाते में अनुमति योग्य सालाना 1 लाख रुपए की जमा की सीमा भी दिखेगी तो मासिक 10,000 रुपए की निकासी की सीमा को कायम रखा जाएगा। केंद्रीय बैंक के संज्ञान में यह बात सामने आई कि कुछ एक मामलों में अपने ग्राहक को जानो प्रावधानों के कड़ाई से पालन नहीं किया गया। KYC अनुपालन वाले खाते जिनमें ग्राहक की पड़ताल की प्रक्रिया का पालन किया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि MBFC सुनिश्चित करे कि सभी लेन देन के लिए पेन अथवा फॉर्म 60 लिया जाए। इस अनिवार्यताओं को पूरा किए बिना ऐसे खातों को किसी तरह की निकासी स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि नोटबंदी के बाद जनधन खातों में जमा हुए 1,000 और 500 के नोटों ने सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल। करुणा निधि फिर अस्पताल में भर्ती। नोटबंदी के बाद बैंक में जमा कराए गए 60 करोड़ व्यापारी पर शिकंजा। पूनम महाजन को भाजपा युवा मोर्चा की कमान। वाडिया ने टाटा के खिलाफ दर्ज कराया 3,000 करोड़ की मानहानि का मामला।